जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके आर्मी अग्निवीर जीटी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और आपके एग्ज़ाम का लेवल जो है दोस्तों, ना तो ज़्यादा इजी है ना ज़्यादा टफ है, मॉडरेट आपका पेपर आ रहा है। तो दोस्तों अब फिजिकल के लिए कट ऑफ कितना जाएगा इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिएगा दोस्तों, अगर आपके 30+ क्वेश्चन ठीक है तो आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा, अगर 30+ क्वेश्चन ठीक है तो आपका फिजिकल में नाम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए है तो आपका स्कोर होना चाहिए 35+ क्वेश्चन। कितने होने चाहिए दोस्तों? 35+ क्वेश्चन, यानी कि फिजिकल के लिए आपके 60 नंबर होने ज़रूरी हैं और फाइनल सिलेक्शन के लिए दोस्तों आपके कम से कम 70 नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर इतने नंबर आपको हैं दोस्तों तो आपका जो है सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेज हैं। अगर आपके 60+ नंबर है तो फिजिकल में आपका नाम आ जाएगा और अगर आपके 35+ नंबर है तो आपको फाइनल सिलेक्शन में भी लगभग आपका जो है नाम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। आप सभी जानते हैं जब भी ऑनलाइन एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। अब देखो 17 से लेकर 24, 25, 26 तक आपके एग्जाम चलने वाले हैं दोस्तों, तो इनमें नॉर्मलाइजेशन न हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम मान के चलो आगे अभी तक हुआ नहीं है और आगे होता है थोड़ा टफ आता है तो घबराना नहीं है दोस्तों, आपको 2 से 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन के अलग से दे दिए जाएंगे। 2 से 5 क्वेश्चन या फिर जितने भी दोस्तों जैसा भी पेपर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर जो है अलग से दे दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन के। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर टफ आता है तो आपको जो है दोस्तों आपको जो है वहाँ पर अलग से नंबर दे दिए जाएंगे, आपके जो है 2 से 4 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। तो दोस्तों फिजिकल के लिए आपको कट ऑफ में कितने नंबर चाहिए? 60, मतलब कि 30 क्वेश्चन, और आपको जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको नंबर चाहिए 70 या 75+ दोस्तों, और आपके क्वेश्चन होने चाहिए 35। ठीक, तो ये है दोस्तों आपकी कट ऑफ। बाकी दोस्तों आप चैनल से जुड़े रहें, हम आपको हर एक जानकारी बिल्कुल स्टेक प्रोवाइड करवा रहे हैं। चैनल पर बने रहें, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।